नमस्कार दोस्तों, एक के राइटर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए किस तरह से आपको बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक हो वहां पर आप किस तरह से एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखकर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सिंपल सा पेज लेना है और उसके ऊपर आपको लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक। यहाँ पे आप बैंक का नाम आप लिखिएगा। हमारा बैंक खाता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खाता है तो आप ये लिख दीजिएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, अन्य बैंक है तो आप उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और आपके शहर या बैंक ब्रांच जहाँ पर है वहाँ का नाम, जिला और आपका राज्य है उसका नाम आपको लिखकर यह फर्स्ट स्टेप आपको पूरी कर लेनी है। एप्लीकेशन के विषय के अंदर आपको लिखना है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट के विवरण हेतु, यह आपको विषय डाल देना है। आगे आपको लिखना है महोदय, सभी ने निवेदन है कि मेरा नाम राजकुमार है, जो भी आपका नाम है, आपके बैंक अकाउंट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मेरा आपकी बैंक में बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट है, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे मेरे खाते पर पिछले 6 महीनों का विवरण चाहिए, यानी आपने पिछले 6 महीनों के अंदर जो भी लेन देन की है उसका आपको विवरण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपको पिछले 6 महीनों का बैंक का जो लेन देन का विवरण है वो आपको चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे मेरे खाते का 6 महीनों का विवरण प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इतना आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको लिखना है मेरे बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खाते की जानकारी इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद दोस्तों, आपका जो भी बैंक के अंदर अकाउंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले आपका जो बचत खाता या करंट खाता है जो भी है उसका खाता संख्या आपको लिखना है। आपका जो भी बैंक अकाउंट में पासबुक में आप देख लीजिएगा, जो पासबुक में नाम है वही बिल्कुल सही नाम आपको लिखना है। आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका एड्रेस पासबुक में है वो यहाँ पे एड्रेस लिखकर और नीचे आपको अपना नाम लिख देना है और जिस तारीख को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन के आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है और जो आप बैंक में लेन देन करते समय ये अपने हस्ताक्षर करते हैं वो आपको सबसे लास्ट के अंदर हस्ताक्षर करके ये एप्लीकेशन तैयार करके आपको बैंक कर्मचारी को या आप बैंक मैनेजर को दीजिएगा। आपका कुछ ही समय के अंदर बैंक के कर्मचारी पिछले 6 महीनों का जो आपका लेन देन है उसका स्टेटमेंट निकाल कर आपको दे देंगे। आप इस स्टेटमेंट से जिस भी काम के लिए, आप जैसे लोन लेने के लिए आपको आवश्यकता है उस काम के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये एप्लीकेशन लिखकर बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल एके राइटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।